आई एम नागपुर की नई परिसर की लोकार्पण उत्सव की मुख्य अतिथि भारत की परम आदरणीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी महोदय, भारत सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे विभाग के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र शासन के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन सुभाष देसाई जी, महाराष्ट्र शासन के मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी पक्ष के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर विकास महात्मे जी, कृपाल तुमने जी, आईएम नागपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की चेयरमैन श्री सीपी गुरनानी जी, आईएम की डायरेक्टर डॉक्टर मैत्री जी, यहाँ उपस्थित सारे विद्यार्थी भाई और बहनों, प्राध्यापक प्राध्यापिका, समाज के वरिष्ठ नागरिक समूह, पत्रकार साथी, अधिकारी मित्रगण, मैं सबसे पहले भारत सरकार की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने समय निकाला, 21वीं सदी की इस नई शिक्षा मंदिर को नई पीढ़ी के लिए समर्पित करने का उन्होंने स्वीकृति दिया। मैं भारत सरकार की ओर से, आईआईएम नागपुर की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूँ। आज के अवसर पर सभी को शुभेच्छा देता हूँ। आज एक शुभ अवसर है, 2015 से चलने वाले आईआईएम नागपुर की आज नई कैंपस औपचारिक रूप में लोकार्पित हो रहा है, इसीलिए आज शुभ है। आज भारत की युग पुरुष पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के जन्मदिन है, 161वां जन्मदिन है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय में, कॉलोनियल एरा में, साम्राज्यवाद के समय में शिक्षा को, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की कल्पना किया, श्री निकेतन की कल्पना किया। उस कल्पना के पीछे भारत की भविष्य कैसे होगा, वो 19वीं सदी में, 19th century में ऐसा कल्पना उन्होंने किया था। आज ही के दिन, उनकी जन्मदिन के अवसर पे नागपुर की आईआईएम का लोकार्पण हो रहा है, उससे और क्या सुखद संयोग हो सकता है। दूसरा सुखद संयोग यही है, 2020 जुलाई से आगे 34 साल के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, जो शिक्षा नीति 21वीं सदी में भारत की ओर से वैश्विक जिम्मेवारी के बारे में, ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, जो नई पीढ़ी ग्लोबल सिटीजन इसीलिए बनाएगा, नागपुर आईआईएम उसमें लीडिंग रोल प्ले करेगा। मित्रों, आज भारत की ज्ञान आधारित अर्थनीति केवल भारत के लिए सीमित नहीं है, दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी भारत की ओर, विशेष करके कोरोना के उपरांत भारत की ओर बड़े आग्रह के साथ, बड़े आशा के साथ देख रहे हैं, भारत कैसे हमारी बारे में भी चिंता कर रहा है, इसलिए नागपुर आईआईएम की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। केवल भारत नहीं, दुनिया की विकसित देशों के लिए, आगे बढ़ने वाले देशों की जिम्मेवारी भी आपके कंधे पे है। मित्रों, आज कोई भी ज्ञान की, कोई भी शिक्षा की एक मुख्य शर्त रहता है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। ज्ञान आधारित इस एम्पावरमेंट के रास्ते में व्यक्ति अंधेरे से आलोक की ओर जाता है, दारिद्रता से संपन्नता की ओर जाता है। एक ही चाबी है ज्ञान, एक ही चाबी है शिक्षा। एक समय था आजादी के उपरांत हमारी लोगों को, विशेष करके नई पीढ़ी को,
शिक्षा जगत में हम एक ही अपेक्षा रखते हैं, ये रोजगार क्षम हो, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़े। लेकिन मित्रों, 21वीं सदी में आज एक नई परिभाषा की आवश्यक हो रही है, जिसमें शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसकी कल्पना की गई है। हमें जॉब सीकर की आवश्यकता अभी नहीं है, जॉब सीकर की जमाना गया, अभी जॉब प्रोवाइडर की जमाना आया है। एंट्रप्रेन्योरशिप आज NIIM नागपुर के एक प्रमुख कोर्स है, मैं इसीलिए बधाई देता हूं, मैं अपेक्षा के साथ कह रहा हूं, नागपुर NIIM आने वाले दिनों में जॉब क्रिएटर की कल्पना को लेके आगे जाएगा। मित्रों, मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा। कौशलेंद्र कुमार करके एक नौजवान IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक बेमेंशी में काम करते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद उनके मन में आया कि मेरे शिक्षा की उद्देश्य क्या है, क्या मेरे लिए है या समाज के लिए है। बिहार की नालंदा से आते हैं, नौकरी छोड़ के नालंदा लौटते हैं, छोटे छोटे सब्जी उगाने वाले लोगों को एकत्रित करके कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से आज एक बड़ा रिटेल चेन उन्होंने खड़ा किया है। शायद अहमदाबाद IIM की श्रेष्ठता उसी में प्रतिपादित होती है। कौशलेंद्र कुमार के मन में MNC से नालंदा के किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रेरणा उनको दिया होगा। ऐसे ही और एक व्यक्ति के बारे में आज अगर मैं चर्चा करूं, देश के जाने माने लेखक, विशेष करके नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले अमित त्रिपाठी चाहते तो कोई एक बड़े कंपनी में CEO की पद में भी जा सकते थे। IIM की विद्यार्थी है, उन्होंने उचित माना कि मैं भारत की पुराने परंपरा को साहित्य में, कथा कहानी में आज की पीढ़ी की समझ के हिसाब से लिखूं और दुनिया को तैयार करूं, नई पीढ़ी को तैयार करूं। मित्रों, IIM की यह भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ मैं आपका अभी ब्रोशर देख रहा था, उसमें एक विषय है, कितने प्लेसमेंट आपकी हो रही है। मित्रों, मैं एक अपेक्षा लेके आए हूं, नई पीढ़ी को विशेष करके अपेक्षा रखता हूं, हमें एक मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा सोच में। हमारी सैलरी पैक कितना है, हमारी एनुअल इनकम कितना है, कितना तनख्वाह मिलता है, उसी सोच से हमें एक नई कल्पना लाना पड़ेगा। हमने कितने लोगों की तनख्वाह बांधने की योजना बनाई है, हमने कितने लोगों को रोजगारी देने की कल्पना किया। मित्रों, IIM में आपको विशेष मार्केटिंग के बारे में, फिनेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं नितिन जी को पूछ रहा था, आपकी नागपुर की सबसे बड़ा बाजार क्या है? आपके वहाँ सीताबाड़ी बाजार सबसे बड़ा बाजार है, जहाँ हॉकर रहते होंगे, गर्मी के दिनों में ठंडाई बिक्री करते होंगे, जाड़े के दिनों में चाय बिक्री करते होंगे, सुबह एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे, शाम को और एक कमोडिटी बिक्री करते होंगे। बड़े बड़े ब्रांड के लिए बड़े बड़े लोग कैंपेनिंग करते हैं, उनकी पीछे IIM की स्ट्रैटेजिस्ट काम करते हैं, लेकिन सीताबाड़ी में जो स्ट्रीट वेंडर है उसके पीछे कौन विज्ञापन करता है, कौन उसको स्ट्रैटेजी बताता है, लेकिन वो भी प्रॉफिट करता है। मैं अपेक्षा रखता हूं IIM अहमदाबाद भारत की MSME के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, सामान्य व्यवसाय के बारे में नई रणनीति बनाए, यही अपेक्षा हम सभी का आपके ऊपर है। आज देश में 25 करोड़ 15 से 25 आयु वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए, जिनमें से 11 करोड़ लोगों की पढ़ाई की, प्रशिक्षण की व्यवस्था है, बाकी 14 करोड़ की ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या हम सोच सकते हैं? मैं देखा आपकी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप हुआ है, मैं एक दूसरा निवेदन कर रहा हूं, घर आज आपकी नई बस रही है, नई घर में नई संस्कार, नई संस्कृति भी आती है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश की नौजवानों को, वर्तमान की पीढ़ी को एक आह्वान करते हैं, जो जिस संस्था में पढ़ाए उस संस्था के लिए कुछ चिंता करनी चाहिए, एल्यूमनी एसोसिएशन बना के एंडोमेंट फंड बनानी चाहिए। क्या IIM नागपुर राष्ट्रपति जी को निमंत्रण तो किया है,
लेकिन राष्ट्रपति जी के द्वारा आह्वान किया गया इस अनोखा जन आंदोलन में एक मिसाल खड़ा करेगा, मैं इसी अपेक्षा को आपके सामने रख रहा हूं। मैं दूसरा अपेक्षा रख रहा हूं, क्या IIM नागपुर विदर्भ की सबसे पिछड़ा एक कॉलेज को, सबसे पिछड़ा एक स्कूल को अडॉप्ट करेगा? गर्मी की छुट्टी में वहां पढ़ाने के लिए यहां के विद्यार्थी जाएंगे? कैपेसिटी बिल्डिंग की प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे? भाषा आधारित प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे? उनको भी लगेगा, उनको IIM नागपुर बुला के साल में 15 दिन रखेंगे, तब जाके सुदूर गढ़चिरौली की आदिवासी नौजवान के मन में IIM में पढ़ने की भी प्रेरणा आएगा और IIM की बेनिफिट भी उनको मिलेगा। अगर ऐसा कुछ संकल्पना आज हम कर पाएंगे अपने नए भवन की उद्घाटन उस समय, एक नई संस्कृति समाज को देने के लिए, समाज की जिम्मेवारी लेने के लिए। आजादी का आज हम अमृत काल मना रहे हैं, 75 साल में हम लोगों ने अधिकार तो जताया, जिम्मेवारी के बारे में हम उतने ही जागरूकता के साथ सोचना चाहिए। आज एक नई संस्कृति IIM नागपुर देश के सामने खड़ा करे, जिम्मेवारी लेने की संस्कृति खड़ा करे। आज के शुभ अवसर पे पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करते हुए, मंचस्थ सभी नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए, भारत सरकार की ओर से मैं सभी को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।